आईपीएल 2024 के टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस की टीम जब चौथा मुकाबला जीती, जो वास्तव में उनके लिए पहले ही था क्योंकि इससे पहले तीन मुकाबले मुंबई की टीम हार चुकी थी, और इस बड़ी जीत के बाद टीम की मालकिन नीता अंबानी इतनी ज्यादा खुश नजर आई कि धन वर्षा करते हुए रातों रात कई खिलाड़ियों को उन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम में मालामाल कर दिया। तो किस खिलाड़ी पर करी उन्होंने पैसों की बरसात, आई जानते हैं इस पूरी वीडियो में। लेकिन अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मुंबई इंडियंस की टीम जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत काफी आक्रामक रही है। 6 ओवर में 75 रन लग चुके थे। रोहित ने 27 गेंद में 49 रन बनाए तो ईशान किशन ने भी तेज गेंद में 42 रन ठोक दिए। हार्दिक अपने 33 गेंद में 39 रन बनाए, लेकिन टीम डेविड और रोमारियो शेफर्ड ने अंत में बेहद आक्रामक बल्लेबाजी कारी। 21 गेंद में 45 रन डेविड ने बनाई तो शेफर्ड ने 10 गेंद में ठोक दिए, जिसके चलते मुंबई की टीम 20 ओवर में 234 तक पहुंच गई। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही। डेविड वार्नर 8 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन पृथ्वी शॉ नहीं 40 दिन में 66 रन बनाए। स्टेप्स ने 25 गेंद में नाबाद 71 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। दिल्ली की टीम 205 तक ही पहुंच पाई और 29 रन से मुंबई की टीम ने पहला मुकाबला जीत लिया। टीम की जीत के बाद नीता अंबानी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, टीम के सभी खिलाड़ियों का यह शानदार प्रदर्शन ही रहा जिसकी वजह से हमारी टीम से पहले मुकाबले को जीत गई। इस बीच आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीम की मालकिन नीता अंबानी ने सबसे पहले 50 लाख रुपए की रकम रोमारियो शेफर्ड को देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, एक तरफ उन्होंने अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाई, 10 गेंद में 39 रन बनाना अपने आप में काबिले तारीफ है। वहीं टीम डेविड के ऊपर भी 50 लाख रुपए की धन वर्षा, उन्होंने करी 21 गेंद में 45 रन उन्होंने बनाए थे। साथियों, उन्होंने रोहित शर्मा को 1 करोड़ रुपए की रकम भी देने का ऐलान किया क्योंकि रोहित की शानदार शुरुआत के चलते टीम एक मजबूत स्कोर तक पहुंच पाए। इस बीच उन्होंने कप्तान हार्दिक पांड्या को कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कप्तान हार्दिक को पहले ही 15 करोड़ रुपए की रकम देकर टीम में शामिल किया गया है। जो शानदार प्रदर्शन करता रहेगा वह जीत का हकदार रहेगा और इनाम का भी। इस तरह से नीता अंबानी ने अपनी बात कही। वैसे आप सभी नीता अंबानी जी के इससे फैसले पर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।